सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी गाड़ी के अंदर फिर दोबारा कुछ यूनिक सी प्रोडक्ट लेकर आए। तो आज हमारा भाई है, वो लेकर आए हमारे लिए एक यूनिक सी प्रोडक्ट। तो भाई दिखाओ जरा क्या लेकर आए आज। भाई हम लेके आए हैं हैंडल ग्रिप, जो होता है अपना आराम से, बहुत यूनिक चीज़ है। अपनी ओडी बीएमडब्ल्यू वगैरह कार वगैरह होती है उसके अंदर होती है। और ये देख सकते हो आप, ये है स्टेयरिंग व्हील्स स्केट स्लिप से, ये जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है अपना, जैसा हम गाड़ी चलाते हैं हमारा कई बार हाथ जो है स्केट कर जाता है, तो उसके लिए रहता है। और ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर जो होलोग्राम लगा हुआ है उस पर देख रहे हो आप, ओडी का चिन्ह है पूरा, ये देख सकते हो आप, ये ओडी का लोगो है। और मैं आपको निकालता हूँ ये, और ये अपना जो आया था, ये आता है अपने कार्बन फाइबर की फिनिश में, ये देख सकते हो आप, शाइनिंग फिनिश है। और ये देख सकते हो आप, ये दो सेट होता है अपना आराम से। तो इसको एक लेफ्ट और एक राइट करके लगाया जाता है। और साथ में एक चीज़ और बताता हूँ, जो इसका अपना फुल इंस्टॉलेशन का पूरा अपना डिटेल दे रखा है, इसके अंदर कैसे इंस्टॉल करना है सारा को इसके बारे में बता रखा है। और इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर कुछ और भी है जो मैंने देखा नहीं था, और इसके अंदर आप देख सकते हो इसके साथ में इसका सेट वगैरह मिला हुआ है, जो अपना शायद इसको अपना कम्फर्टेबल ज़्यादा करेगा अपना आराम से, जो अपना आराम से पकड़ने में इसको आसानी रहेगी, जो अपना हाथ जो है इससे स्केट नहीं करेगा। तो इसको हम क्या ऐसे करेंगे, तो ये इसका होगा शायद, ये इसके अंदर लगाने का होगा, तो जिससे ये अंदर लगेगा और उसके बाद में अपने हैंडल पे चिपक जाएगा बहुत अच्छे से। और बाकी जो डिटेल है देख रहे होगा, इस उसमें नॉलेज है मेरे भाई को, पता चल जाएगी हमारे को। जो बाकी थोड़ा बहुत डाउट है वो अपना इसको देख के हम क्लियर कर लेंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो अब हम इसको अपने लगाएंगे अपनी बलेनो के अंदर, देख सकते हो। तो बॉयलर को तो लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है, और इसकी शाइन बहुत मस्त लग रही है। और बाकी अपने स्टीयरिंग में लगाते हैं और फिर अपनी गाड़ी की लुक देखते हैं इससे कितना मस्त लगता है अपना, ठीक है। देख रहे हो तो अपनी गाड़ी कितनी नॉलेज है मेरे भाई को भी। अगर गाइस किसी को और नॉलेज देखनी है ना, मेरे भाई का चैनल है टेक मोटो मैन, सिर्फ टेक मोटो है, पहले टेक मोटो मैन था, अब टेक मोटो कर दिया। तो लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना उसको मेरे चैनल। तो भाई देखो जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हो, भाई लोग जाके सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भाई को भी सपोर्ट करो, और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलेगी बाइक कार और स्कूटर वगैरह से सबसे रिलेटेड वीडियो डालते मेरे भाई। तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हम लगाने वाले अपनी मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर। और भाई ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, हमारे हर गाड़ी के अंदर लग जाएगा। इसके साथ में ये देख सकते हो आप, इसके साथ में 3M का टेप जो होता है उसका स्टिकर भी मिले हुए हमारे को। तो अब बाकी हम इसको अपनी गाड़ी के अंदर कार में जब फिट करेंगे, और बाकी उसके बाद में देखेंगे पूरा कि किस तरीके से होगा, क्योंकि एक्चुअली में हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, इतना हमें भी नहीं पता। बाकी अब इंस्टॉल करेंगे तब इंस्टॉल होके पता चल जाएगा कि हमारे कौन-कौन सी चीजें तरीके से लगेगा, तरीके से लगानी है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम होता है। बाकी इसके अंदर इंस्टॉलेशन एक गाइड दे रखी है, तो इसके अंदर देख लो गाइस, हिंग चोंग नोंग में लिखा हुआ है, चाइनीज में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। खैर हम आप लोगों को पढ़ के नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, हम खुद समझ के और आप लोगों को बता देंगे किस तरीके से लगाना है। तो चाहिए तो फटाफट लगाते हैं हम इसको अपनी बलेनो के अंदर। तो गाइस देख पा रहे हो आप, जो अपना 3M का टेप था वो थोड़ा हमने देखा, तो उसको गाइड करा, तो उसके अंदर पता चला 3M का टेप जो है अपना इस साइड में लगेगा अंदर, ये देख सकते हो, एक इधर एक इधर एक इधर, अपने 4 पीस अपने इधर लग गए, और साथ में जो दूसरे अपने 2 पीस थे उसके साथ में इधर भी अपना लगाया 3M का टेप, और अपना इधर भी लगा रखा है हमने, और लगाया इधर भी और इधर भी। और बाद में जो अपने ये गोल वाले रबड़ बचते हैं, तो आप ये सोचोगे रबड़ किस लिए दे रखी है, तो ये रबड़ दे रखी है हमारी इसलिए ताकि हम स्टीयरिंग में इसको लगाएंगे, तो हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा ग्रिप मिल जाएगा इसको, तो जब हम स्टीयरिंग पे इसको लगा देंगे उसके बाद में ये स्केट नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो इससे एकदम फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। रबड़ है क्योंकि रबड़ पे रख के एकदम सॉफ्टनेस हो जाता है, तो उससे स्केट नहीं करेगा ये। तो अब इसके बाद में हम लगाएंगे अपनी कार के ऊपर, तो अभी हम लगाएंगे इसके अंदर अपने ये रबड़े। सो गाइस देख सकते हो इतना स्पॉटी लुक आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और गाइस फील करो इस चीज़ को, या आप जब अपनी गाड़ी ड्राइव करोगे तो गाइस आपको बहुत ही अच्छी
फीलिंग मिलेगी इसी के साथ में। और यहाँ पर देख सकते हो इसके रबड़ जो है गाइस, इसने रबड़ इतने अच्छे हैं इसके अंदर कि आप लोगों को भी फील होगा चलाने में गाइस। इससे अपना स्टीयरिंग है और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, जैसे आपकी ड्राइव की चलाने में और कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि गाइस आपका जो स्टीयरिंग है, अब आपका स्टीयरिंग जैसे स्पीड में चलाते होगे कभी कभी स्लिप भी हो जाता है गलती से, तो वो आपका जैसे इस पर हाथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगा। तो ये कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर भाई एक नंबर लग रहा है। सो गाइस कोई कह नहीं सकता कि हमने आफ्टर मार्केट स्लीव पे लगाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा स्टीयरिंग हमने इसके अंदर चेंज कर दिया। गाइस अगर किसी भी भाई को ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। गाइस ऑल इंडिया इसकी शिपिंग अवेलेबल है। सो साइड से एक बार आप गाइस लुक चेकआउट कर लो। तो गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ये इसके ऊपर मैंने स्टीयरिंग कवर लगा रखा है और एज इट इज़ देख लो गाइस ये भी इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है भाई, बहुत ही अच्छी ज़्यादा इसकी फिटिंग है वो आई है, यानी कि आप इसको कोई सी भी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो गाइस। होंडा सिटी है साथ में और डस्टन है और i10 वगैरह, जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई ना मेरे पीछे साहब कि उसके अंदर आप लगा सकते हो इस स्टीयरिंग स्लीव्स को। और गाइस के जो लुक आ रही है बहुत अच्छी लुक आ रही है। गाइस कमेंट करके बताना आप लोगों को ये मेरी जो गाड़ी की मॉडिफिकेशन कैसी लगी। गाइस मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी कार्बन फाइबर की जो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से लगाऊं, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी का जो कलर के हिसाब से उसी के ऊपर जो कलर टोन है वो देना है, यानी कि मैं सोचूँ कार्बन फाइबर की और भी चीज़ें मॉडिफिकेशन मैं करूँ। गाइस जिस किसी भी भाई के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो ना मॉडिफिकेशन कार्बन फाइबर को लेकर, मेरे को गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें कार्बन फाइबर के अंदर करके दिखाऊंगा जो आप चाहते हो। क्योंकि गाइस वीडियो मैं अपने लिए नहीं बनाता, गाइस वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ये लगाना चाहता हूँ, मैं खुद भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाता हूँ मैं ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं आप के घर के आसपास वाली सिटीज़ के अंदर जो है वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट वगैरह के अंदर। और इसको किसी भी भाई को परचेज़ करना है तो हमारी साइट से जाके परचेज़ कर सकते हो, technokhanstore.com से या www.technogaze.in से भी जाके आप इनको प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। बाकी हमारे जो स्टोर है फरीदाबाद सराय ख्वाजा के अंदर है, यहाँ से भी आके कोई भाई रहता है तो कलेक्ट कर सकता है। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुटिल देन आइल बोलो बाय बाय, थम्स अप देखो, थम्स अप देखो देखो ये, चलो भाई अब लाइक कर देना, बच्चे नहीं बोल देना है ना।